हेलो गाइस नमस्कार। यहाँ पर कुछ बड़ी मूवी का रिव्यू हम करने वाले हैं, लेकिन आप लोग सोच करके थोड़ा हैरान जरूर होंगे कि अगर हम जिस मूवी का नाम बता रहे हैं, इस मूवी का नाम सुनकर के आप लोग हैरान होंगे, क्योंकि मूवी की शूटिंग पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग सोच सकते हैं कि अभी तक कोई रिव्यू ना पोस्टर ना कुछ मूवी की शूटिंग कैसे स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो में हम जरूर क्लियर करेंगे, सलमान खान की मूवी है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने शायद थंबनेल पर देख के समझ ही गए होंगे, किक मूवी, किक टू यानी किक टू आ रही। किक मूवी जब यानी कि हमारे सामने उसका डी एंड किया गया, तो वहीं से हमें समझ में आ गया था कि शायद किक जैसी मूवी सलमान खान दोबारा बना सकते हैं। 2015 से लेकर के अगर 2022 तक की बात करूं तो भाई बॉलीवुड के बादशाह कहलाए सलमान खान, लेकिन भाई 23 में शाहरुख खान उनका पूरी तरह से नाम डुबोते हुए नजर आ गए। नाम डुबोते हुए नहीं बल्कि यानी कि शाहरुख खान पर्दे पर नजर आए गए। जैसे कि 4 साल के लिए भाई डुब्बी भी मारा था शाहरुख खान, 4 साल के लिए गायब हो गए थे, जो कि इनकी मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने एंट्री मारी तो बहुत धमाकेदार एंट्री मारी, ये चीज़ काफ़ी अलग हुई। लेकिन यहाँ पर सलमान खान की अगर बात की जाए तो किक मूवी को लेके आने का कारण बस यही है कि कोई भी अगर उभरता हुआ सितारा यानी जो चमकता हुआ सितारा होता है, उसकी डिम हो जाता है थोड़ी लाइट, तो वो थोड़ा और चमकने की कोशिश करता है। उसको ले करके उसी चीज को देखते हुए सलमान खान ने सोचा कि क्यों ना किक टू को कर लिया जाए। यहाँ पर किक मूवी का प्रपोजल भी आया शाहरुख खान का, तो शाहरुख खान ने उसमें यानी कि रोल मिला था कि शाहरुख खान को भी शायद साइड में थोड़ा आ जाए, लेकिन शाहरुख खान ने इस चीज़ को मना किया था। तो यहाँ पर सलमान खान पूरी तरह से मूवी को साइन भी कर चुके, यानी कि उम्मीद जताई जा रही है अगले महीने से इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमें शायद 15 दिन के अंदर लगभग इसका पोस्टर हमारे सामने आ सकता है किक टू मूवी का। लेकिन यहाँ पर किक मूवी करने का प्रपोजल सिर्फ सलमान खान का यही है कि सलमान खान की कोई मूवी जो इतनी समय चल नहीं रही है, तो अगर किक जैसी मूवी कर लेते हैं तो वो एक बड़ा सा अपना परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ जाएगी और बड़ा रिव्यू भी करते हुए नजर आएगी। किक मूवी जो है यानी कि अच्छी, यानी जब कमाई किया था उस समय जब कमाई किया था लगभग 2019 में जब आई थी, इसने जो कमाई किया था 2019 में इसने लगभग 1000 करोड़ के ऊपर किया था, जो कि लगभग 200 करोड़ में उड़ी थी। यानी किक मूवी 200 करोड़ में बनी हुई और 1000 करोड़ रुपये का कमाई किया था, जो कि यानी बने हुए अमाउंट से 5 गुना ज़्यादा किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगर किक टू मूवी को रिव्यू किया जाएगा तो लगभग 300 करोड़ में इस समय बनाया जाएगा, 300 करोड़ में बनाया जाएगा, तो एक भाई कमाएगी भी लगभग 300 करोड़ में बनाया जाएगा तो 1500 करोड़ के आसपास कमाएगी लगभग। अगर 1500 करोड़ रुपए मूवी कमा देती है तो फिर से शाहरुख खान का दबदबा एक बार बन कर ख़त्म हो जाएगा और फिर से सलमान खान ऊपर आते हुए नजर आ जाएंगे। इसीलिए सर सलमान खान ने इस मूवी को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हुए और मूवी को बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला 1-1.5 महीने के अंदर इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को इस यानी कि किक वन में दिखाया गया था आप लोगों को कि सलमान खान जहां पर यानी कि बस को लूट करके भागते हैं और नदी में जा करके बस को पूरी तरह से डुबो देते हैं, और डुबोने के बाद वहां पर सलमान खान बाहर नहीं निकल पाते और वहीं से मूवी को डी एंड कर दिया जाता है। तो वहां से भी पता चल गया था, यानी समझने वाले समझ गए थे वहां से भी कि किक टू मूवी जो है इसका पार्ट टू आएगा, क्योंकि इसीलिए शायद इस मूवी का इतना भयानक हमारे सामने लुकिंग सीन डाली गई, यानी भयानक सीन डाली गई है, जिसकी वजह से शायद इसका पार्ट टू आने की कोशिश करें मेकर्स लाएंगे, इसीलिए शायद इसको इतने बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है और इसीलिए डी एंड भी इतना अलग तरीके से किया गया है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, किक टू मूवी जो है हमारे सामने लाने से बॉक्स ऑफिस अच्छा कमाई कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है, और सलमान खान की खोई हुई पहचान फिर से वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।